तो दोस्तों फाइनली फाइनली मैं पहुंच चुका हूं केदारनाथ धाम। बात ज्यादा करता है लेकिन आदमी अच्छा है। ऐसे दो चार जन के गाली भी खाके जो आर जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, मैं हूँ गगन सागर और मैं कर रहा हूँ रायपुर टू केदारनाथ यात्रा बाय साइकिल। तो दोस्तों इस टाइम हम केदारनाथ में ही है, मतलब यहाँ से चार किलोमीटर बचा हुआ है। तो सवेरे हो गया है, नहाए तो नहीं है, फिर भी नाश्ता वास्ता चल रहा है। मैगी है कि भाई पूरा केटल के साथ ही खा रहे हैं। भाई लोग सब कोलकाता से हैं तो यही उत्तराखंड आके मिल गए हैं, तो काफी इंजॉय चल रहा है भाई लोग के साथ, काफी बढ़िया लग रहा है। अब बताओ बताओ चारों कोलकाता और आप अकेला रायपुर से जी, तो कोलकाता वालों के साथ मिलके कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया यार। कोलकाता वाला अच्छा है या बुरा है? बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, तो उधर उधर मुंह के बोलो ना। तो काफी इंजॉय चल रहा है वैसे भाई लोग के साथ। तो आज केदारनाथ पहुंच ही जाएंगे, तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। सामने बर्फ बर्फ हो रखी है तो दिखाता हूँ आपको बाद में, पहले मैगी खत्म करते हैं फिर निकलेंगे। एक तरफा सीन है यहाँ से एकदम जबरदस्त। और हम कहाँ से आए हैं आप जान ही सकते, कितना कितना नीचे से ना, बहुत नीचे से यार। उधर है बर्फ वाली पहाड़, तो आज वहीं पे ही पहुँचेंगे। यहाँ पे कोई दुकान है भैया का, देखिए हेलीकॉप्टर काफी सामने से जा रहा है, वो पहाड़ पे जाएगा ना, वो बर्फ वाली जो पहाड़ है उसी पे जाएगा। फिलहाल दो जन पीछे अटके पड़े हैं तो हम लोग उसी का ही वेट कर रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे यार बहुत जल्दी, भोलेनाथ की कृपा है। तो दोस्तों अभी मिले हैं भाई लोग, जो कि मोदी नगर में मिले थे, आप लोग को याद होगा 16 तारीख को। तो भाई लोग बोले थे कि ऊपर में मिलेंगे और ऊपर में मिल गए, काफी अच्छा लगा। साथ चलेंगे भैया का चैनल तो फेमस है भैया। हमें 16 तारीख में मिले थे, ये हमारे प्रधान जी है ग्राम औरंगाबाद का दाने के, ये लल्ला है लल्ला भाई और ये मेरे मित्र राहुल भैया से मिलकर दोबारा बड़ी खुशी हुई। भैया ने तो सच में ही कमाल कर दिया साइकिल से। कहाँ से आए भैया? रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए, जय भोले की, जय भोले। दोस्तों फिलहाल बैठ के पराठा खा रहे हैं, वैसे भूख काफ़ी लगी थी यार, कल खाना वाना नहीं खाया, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, सो ही गया, खाना ही नहीं खाया वैसे। और दोनों भाग गए, हीरो कैसे खा रहा देख लो। ओए कुछ बोल दे यार, बहुत भूख लगी है, मतलब सुबह से बोलो दादा कुछ खिला दो, दादा कुछ खिला दो, खिला नहीं रही है। 6 किलोमीटर ऊपर लेके आके हम खुद ही आके दुकान में आके पराठा का ऑर्डर दिया, तब आके बैठ के देखो खा रही है कैसे। बात ज्यादा करता है लेकिन आदमी अच्छा है। ऐसे दो चार जन के गाली भी खा के घोड़ा वालों के साथ जमता नहीं है, तो खाते हैं फिर निकलते। वैसे एक पराठा यहाँ काफ़ी महंगा है, 70 रुपये। अच्छा ये मतलब उतना सामान ऊपर लेके आता तो महंगा तो हो गई। तो दोस्तों फिलहाल हमें हो गया है बर्फ़ का दर्शन, देखिए जस्ट सामने जाके दिखाता हूँ। वैसे थोड़ा सर्दी अर्दी हो गई है तो हालत ख़राब हो गई है, कल रात को भी मतलब पहुँच नहीं पाए, रुक गए थे रास्ता में क्योंकि यार और चले आता, पानी यानी गिर रहा था तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकता था। वैसे ट्रैकिंग को ना एक दिन में पूरा करने में ही मज़ा है, अपना तो आज दो दिन लग जाएगा, 1.5 दिन। तो अगर कभी भी आप आओ तो एक दिन में ही पूरा करो, क्योंकि मतलब दूसरा दिन पूरा बॉडी को वो हो जाता है ना, रेस्ट देना पड़ता है, तो हम लोग आज बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे, आगे ही निकले ही जा रहे। तो दिखाता हूँ आपको बर्फ़ सामने, ये देखिए बर्फ़, वैसे काफ़ी बड़ा चट्टान है, जम गया टोटल बर्फ में, वैसे फर्स्ट टाइम देखना हो रहा है सामने से। ये देखिए जस्ट सामने बर्फ, हीरो निकाल लिया बर्फ का टुकड़ा, वैसे हाथ काफ़ी वो ठंडा लगा, ये खाएगा शायद, निकाल रहे थे थोड़ा खा लेंगे। दोस्तों देखो ये रही है बर्फ, अरे यार गंदा चीज़ यार, गंदा क्या है, बर्फ ही है, देखिए बर्फ। तो काफी ठंडा लग रहा है वैसे। दोस्तों एक सीन हो गया था यार मेरे साथ, मतलब बैग छूट गया, जहाँ पराठा रखा है वहीं बैग छूट गया था। तो और रिटर्न आना पड़ा, अच्छा है कि बैग मिल गया, कल वैसे पैसा छूट गया कहीं जेब से निकल के गिर गया,
700-800 ऐसी बाहर खर्चे के लिए रखा ही था, तो मोबाइल वोबाइल निकालते निकालते कहीं गिर गया। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ, तो काफ़ी चढ़ाव हो गया, मतलब एकदम एक्सट्रीम वाला डिसीजन ले लिया मैं, दिखाता हूँ आपको। उधर फिलहाल जाना है, ये पूरा टोटल घाटी घाटी देखिए, पूरा घाटी और वहीं पे जाके उधर जाके पूरा नीचे देख सकते हो, काफ़ी मतलब ज़्यादा हो गया आज। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हम लोग घोड़ा घोड़ा स्टेशन, देख सकते हो काफ़ी मतलब बहुत सारा घोड़ा है यहाँ, ये देखिए बहुत सारे टोटल घोड़े ही घोड़े हैं। थोड़ा सा अजीब है, भूख कैसा लग रहा बता दे, मूड अच्छा नहीं है यार, मूड खराब हो गया इतना भूख में, सर में दर्द हो रही है कल से नहाया नहीं, आज भी सुन आज नहाया कहाँ है, अरे कहाँ नहाएंगे, दो दिन तो ऐसे नहीं नहाएंगे भाई, बस दो दिन में ही, तो आप लोग जो भी आएंगे यहाँ पे थोड़ा ये सब ध्यान रखना, कहा कि नहावा मत देना, सर्दी और पकड़ सर में बहुत दर्द हो रही है और तबीयत पूरा ढीला हो चुका है यार, 20 दिन में जो नहीं हुआ आज ये मतलब दो दिन में पूरा तबीयत डाउन, बोरीकुंड से केदारनाथ तक दो दिन में पूरा हालात खराब हो गया। तो वैसे ट्रैक ना आप एक दिन में क्लियर करोगे तो ठीक है ना, हाँ एक दिन में क्लियर करोगे ठीक है, दो दिन अगर लगाओगे ना तो आपका तबीयत पूरा खराब हो जाएगा, आप चल नहीं पाओगे। कल हम लोग निकल सकते थे लेकिन वो बारिश के कारण ना, बारिश के लिए और थोड़ा तबीयत भी पूरा डाउन हो गया, तो उसके लिए रुक गए, 4-5 बार जो रुक गए ना बारिश के वजह से, इसीलिए हम लोग हो गया। चलो कोई बात नहीं, आज पहुंच गए तो चलिए कराते हैं महादेव का दर्शन। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ केदारनाथ धाम, वैसे काफ़ी सारा एक्साइटमेंट हो रहा है, एक्साइटमेंट वैसे आवाज़ लड़खड़ा रहे हैं मतलब खुशी में, देखिए काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे टोटल एक्सप्लोर करेंगे, अभी जस्ट पहुँचे हुए हैं, तो ये रहा अपना सफर, यही तक पहुँच गए केदारनाथ, बस थोड़ा खराब हो गई ना तो बोल ज़्यादा नहीं पा रहा हूँ, वैसे पहुँच तो गए। ये रही अपनी साइकिल आगे से केदारनाथ, मतलब जिस चीज़ का सपना देखा था लगभग 3-4 साल से आने का, तो आज ख्वाब पूरा हुआ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ है सीन यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे, अपना साइकिल है, भाई भी आए हैं गुजरात से, मिल गए हैं, काफ़ी बढ़िया लगा मिल के वैसे, थैंक यू भाई। तो एक्सप्लोर टोटल करेंगे, पहले थोड़ी आराम कर लेते हैं, होगा तो शायद कल का वीडियो भी करें और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये वाली जो गेट है इधर से एंट्री होती है, ये देखिए इधर से होते हुए अंदर घुसते हैं, इधर से होते हुए अंदर घुसते हैं, ये वाली गेट एंट्री के लिए, तो यहाँ से जाते हैं, आपको दिखाता हूँ जस्ट सामने से, तो बहुत सारा धागा वागा बांधा हुआ है।
तो यहाँ से जाते हैं अंदर, ये अंदर का दरवाज़ा है। वैसे हम पूजा वूजा किए नहीं है, तो बाद में जाएंगे पूजा वूजा करने। तो ऐसा तो कैमरा का अलाउ नहीं है, फिर भी ये देखिए यहाँ है नंदी महाराज, जो कि काफ़ी सारे बाबा होंगे। फिर मतलब ना यहाँ हर कोई वीडियो कॉल वगैरह में टोटल बिजी है। तो दोस्तों इधर से होते हुए भीमशिला जाते हैं, चलिए आपको ले चलता हूँ भीमशिला की ओर, जो कि मतलब जब बाढ़ आई थी 2013 में, तो वही शिला के कारण ही मतलब मंदिर का रक्षा हुआ है। ऐसे कहते हैं कि जो भीम है ना, तो मंदिर का रक्षा किए। तो अभी ले कर चलता हूँ वहाँ पे आपको। तो चलिए चलते हैं, ये रहा पीछे का भी काफ़ी बढ़िया है यार। वैसे एक बार टेंट बनाया गया था इसका अपना अमली पदर में, काफ़ी बढ़िया लग रहा था। तो कोई कोई देखे होंगे तो कमेंट ज़रूर करना। तो इधर से होते हुए जाते भीमशिला, छुट्टा ही नहीं है मेरे पास। यहाँ चढ़ना है भीमशिला, तो भीमशिला के लिए चढ़ना है यहाँ से, इधर से ही रास्ता है। ये देखो ये भीमशिला, यहाँ पे बहुत सारे बाबा लोग बैठे हुए हैं, बहुत से पूजा वूजा करते रहते हैं। देखिए ये वही भीमशिला है जो बाढ़ के टाइम ना ये मंदिर का रक्षा किया था। काफ़ी बड़ा पत्थर है जो कि मतलब काफ़ी दूर से आया था ऊपर से, ये देखिए ऊपर से आया था बहते हुए पानी में और यहीं पे रुक गया। तो वैसे मेरा आवाज़ थोड़ा तबीयत ख़राब हो रखी है, तो ज़्यादा आवाज़ में बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बुखार लग रहा है और सर्दी। वैसे मेरे मोबाइल में चार्ज भी बहुत कम है, तो ना मैं जल्दी निपटाना बोलने से दर्शन करवाना चाहता हूँ सबको। ये रहा पीछे से व्यू, मतलब ये टोटल जब बाढ़ आई थी तो ये पत्थर है जो कि भीमशिला के नाम से जाना जाता है, यही रक्षा किया था इस मंदिर का। तो दिखाता हूँ इधर से और एक नज़ारा, मतलब और एक है जो कि माना जाता है, बहुत मानते हैं उसको। यहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर लोग रखे हुए हैं, वैसे ये देखिए पत्थर। तो ये जो पत्थर है मतलब एक के ऊपर एक टंगे हुए हैं, क्योंकि ना मतलब ऐसा माना जाता है कि जैसे कोई हर कोई आदमी आता है यहाँ पे, और ये पत्थर जितना ऊपर रखा जाता है उतना मतलब उसका घर उतना मंजिल का बनता है। तो चलिए हम भी ज़रूर ट्राई करेंगे जाते जाते। ये देखिए काफ़ी सारा पत्थर उत्थर रखे, मतलब टोटल एरिया में उधर वाले टोटल एरिया में वैसे ही रखे हुए हैं, देखिए टोटल रखे हुए हैं। तो उधर शंकराचार्य का मंदिर है, तो उधर भी लेके जाऊंगा आपको। तो कुछ नज़ारा इस टाइप है इधर से, काफ़ी मतलब एकदम क्या बोलूँ, मतलब कुछ शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि यहाँ क्या कौन सा सीन है भाई यहाँ। इसे बाबा लोग काफ़ी सारे बैठे रहते हैं मंदिर के पास, देखिए। तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, वैसे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मतलब यहीं आके ना वही सपना था यार 3-4 साल से कि मैं आऊँ यहाँ पे, आ ही नहीं पा रहा था, तो फाइनली आ गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। वैसे अपना टेंट वोट लगा लिए उधर ऊपर से, दिखाऊँगा बाद में। और एक मंदिर है जो कि उधर जाना है, तो उधर कल सवेरे ही जा पाएंगे शायद, अभी तो ठंडा बहुत है यार यहाँ पे। ये देखिए आपको बोला था ना टोटल पत्थर रखा जाता है यहाँ पे, मतलब जितने सारे पत्थर उतने घर की मंजिल होती है। तो मान्यता है, मतलब सच है नहीं है वो तो पता नहीं है, लेकिन बहुत जन मानते हैं और काफ़ी जन लगा भी रहे हैं। तो हम तो आ गए ना फिलहाल, तो हम भी लगा के ही जाएंगे, हम भी 2-4 मंजिल बनाना चाहते हैं वैसे पत्थर से, तो शायद बाद में बन भी जाए। देखिए इधर काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना, ऐसे कुछ कुछ भाई लोग रख रहे हो वहाँ पे पत्थर उत्थर, इससे थोड़ा डर लगता है बस। तो ये है आदि शंकराचार्य का जो मूर्ति है इधर है, तो मतलब दिखाता हूँ आप लोग को।
काफी मतलब मैं मोबाइल में देखा था तो काफी बढ़िया लग रहा था, वैसे यहाँ भी लगना चाहिए, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं। ये देखिए मतलब उधर से जाना पड़ेगा ना, इधर यहाँ टोटल दीवार पे मंत्र लिखा गया है, काफी सारा मंत्र और बहुत सारा, नीचे आने के बाद दिखेगा आपको मूर्ति। ये रहा आदि शंकराचार्य की मूर्ति, वैसे काफी बर्फ जमा हुआ था मतलब पहले, तो अभी थोड़ा कम है। देखिए काफी ठंडा लग रहा है इसे, खाली पैर